अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको चिकन टिक्का कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। टिक्का मसाला मैंने घर में बनाना आप लोगों को सिखा दिया था, आज वही यूज़ करके आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैंने चिकन ले लिया, ठीक है। चिकन को मैंने ऐसे जो है छोटे पीसेस में काट दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और ये है टिक्का मसाला जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है, गरम मसाला पाउडर। ये मसाले इसमें जाएंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट करके इसको 1 घंटे के लिए आप लोगों ने रख देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इसको मैं अच्छी तरह से ताकि एक एक पीस पर मसाला लग जाए और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे तैयार होंगे। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ और 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ, 1 घंटा वेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, चिकन को रखे 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने ऑयल में प्याज डाल दिए, प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 2 मिनट प्याज का कलर चेंज होने तक वेट करते हैं। प्याज का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने प्याज को फ्राई नहीं करना, बस आप लोगों ने हल्का सा इसका कलर चेंज करना है और फिर इसको निकाल लेना है। अब हम उसी ऑयल में चिकन को डाल देंगे जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। और एक साइड इसकी पकने देते हैं, एक साइड तकरीबन पक चुकी है। अब हम हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छी तरह इसको फ्राई होने देते हैं। 5 मिनट वेट करते हैं, चिकन को फ्राई हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को भी निकाल लेंगे, ऐसे आप लोगों ने चिकन को निकाल के रख देना है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तमाम चिकन आप लोगों ने ऐसे निकाल के रख देनी है। और आप यकीन माने जो घर में टिक्का मसाला बनाया था उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। आप लोगों ने मेरी वो रेसिपी फॉलो करनी है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसका कलर चेंज किया था। इसके साथ साथ हम डाल देंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल देंगे, थोड़ी देर टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हसबे जायका नमक। ये तमाम चीज़ें मैंने कम ऐड की हैं क्योंकि मसाले चिकन को हम लोगों ने पहले से ही मैरिनेट कर दिया था। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने चिकन को फ्राई करके रखा था, ये डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसमें डालने हैं और देखें कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है। अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्सिंग आप लोग बहुत अच्छी किया करें। जितनी ज़बरदस्त मिक्सिंग होगी उतना ज़बरदस्त आप लोगों के ये तैयार होगा। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 अदद। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और 10 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे चिकन टिक्का कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए, मज़ीद खुशबू के लिए इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसे जायका आएगा, खुशबू आएगी। गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं चिकन टिक्का कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।